कुछ नियमों का अनुपालन बहुत जरूरी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहली शर्त कि आपका शाकाहारी होना बहुत जरूरी है, वेजिटेरियन। किसी भी तरह का मांस आप लोग न लें अपने आहार में, भोजन में, क्योंकि जो मांस है ये तामसी भोजन होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया जो राक्षस डेमोन डेविल उनका भोजन जो है इसको माना गया है। और अगर आप मनुष्य का जो कर्मिक विकास है ऑर्गेनिक ओवुलेशन देखें, तो जब हमारा विकास हुआ कपि से, एप्स उसको इंग्लिश में कहते हहैं, तो जंगल में कंद मूल हमारा भोजन होता था। तो जो हमारे दांतों की बनावट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो उसका जो संरचना है, उसका जो निर्माण है, वो केवल शाकाहारी भोजन के लिए फिट बैठता है। अगर हम कोई चीज़ बाहर से थोपते हैं तो शरीर को नुकसान देगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे जो है शाकाहारी हो जाएं। जो लोग मांस लेते हैं पहले से, वो संकल्प करें कि ये आदत हमारी धीरे धीरे छूट जाए। और जो नए बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो पहले से शाकाहारी बने, जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों में इस आदत को डेवलप करें। दूसरी बात, किसी भी तरह का नशा हमारे जीवन में न हो। शराब, मदिरा और ड्रग्स, जो भी नशीली चीज़ें होती हैं, अभी मैं पंजाब के लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, पंजाब में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनमें ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये हमारे बच्चों को खोखला बना रहा है। कुछ ऐसी एंटी सोशल शक्तियाँ हैं जो मुनाफा कमाने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए हमारी जो बहुत ही कच्ची उम्र के बच्चे हैं उनको इस आदत में डलवा देते हैं। तो माता पिताओं से ये मेरी विनती है, अपील है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और उनको कोई भी ऐसी गंदी आदत, बुरी आदत न लगे। और आप देखते हैं कई परिवारों में अगर कोई शराब पीता है, मदिरा का सेवन करता है, तो कितनी अशांति रहती है, कई घर तबाह हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और जितने भी क्राइम अपराध होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहता है। तो जो लोग इस आदत में हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि आप गुरु महाराज का ध्यान करके धीरे धीरे जो है इस आदत से छुटकारा पाएं। आप लोग मजबूत इच्छा शक्ति दिखाएं, और जो परिवार के और सदस्य हैं वो लोग बड़ी सहानुभूति रखें, क्योंकि ये ऐसी आदतें होती हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और आदमी मजबूर हो जाता है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ने के लिए आपका प्यार, आपका सहानुभूति उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग गुस्सा न करें या उन पर कोई आरोप न लगाएं, धीरे धीरे आप लोग उनको सहयोग करके इस आदत से जो है छुटकारा दिला सकते हैं। तीसरी बात, जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलें। आसान नहीं होता है जो समय चल रहा है, लेकिन आप लोग ये सोचें कि आप जीवन में सच्चाई को अपनाएंगे। जो व्यक्ति, जो समाज सच्चाई पर चलता है उसकी हमेशा विजय होती है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, चाहे थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सच्चाई की हमेशा हर युग में विजय हुई है। आपने देखा होगा राम रावण का युद्ध हुआ, रावण कितना बलशाली था, लेकिन राम जी धर्म की रक्षा कर रहे थे और सत्य के राह पर चल रहे थे, तो उनकी विजय हुई है। तो हर युग में सच्चाई की विजय होती है, देरी उसमें जरूर लगती है, तो सच्चाई का दामन आप कभी न छोड़ें। और ईमानदारी, जो आप काम करते हैं उसमें नेकी होनी चाहिए, जो भी आप धन कमाते हैं वो अच्छे ढंग से होना चाहिए। जो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो धन कमाया जाता है वो परिवार में सुख शांति देता है। धन की हमारे शास्त्रों में तीन गतियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। दान को सबसे ऊपर रखा गया है, और हमारे
समाज में पंजाब में ये व्यवस्था है दसों जिसको कहते हैं कि 10% अपनी इनकम का हमेशा दान करना चाहिए। जो व्यक्ति संपन्न हो गया है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, दीन हैं, उनका भी ध्यान रखना है। 10% अपनी इनकम का जरूर इन लोगों के कल्याण के लिए आप लोग दान करें। परोपकार मतलब दूसरे की मदद करना, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ईश्वर की सर्वोत्तम कीर्ति मनुष्य को माना गया है क्योंकि उसमें चेतना है, बुद्धि है, तो उसका प्रयोग समाज में तभी शांति आएगी, भाईचारा आएगा और सब ढंग से समाज आगे बढ़ेगा जब भेदभाव नहीं रहेगा। आजकल जो समाज में खाई पैदा हुई है, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो इस खाई को बांटने के लिए जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो उनको मदद करें, तभी एक समरसता और समभाव समाज में आएगा। अहिंसा मतलब किसी को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी के लिए हम कोई कठोर वाणी न बोलें, सबके साथ हम प्रेम से व्यवहार करें, तभी समाज में सुख शांति आएगी। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको जीवन में उतारना है। ये गुरु मंत्र गुरु महाराज से जोड़ने का, कनेक्ट करने का एक माध्यम है। जब भी आप जीवन में निराश होते हैं, आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस मंत्र का आप जाप करें। कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, नकारात्मक सोच जीवन में आत्मसात करना चाहिए। क्षमाशीलता, जीवन में हर किसी से कोई ना कोई गलती होती है, जैसे हम चाहते हैं कि जो गलती हमसे हुई है उसको दूसरा तुरंत माफ कर दें, तो हमारा हृदय भी इतना विशाल होना चाहिए कि अगर किसी से अनजाने में गलती हो गई है तो हम उसकी गलती को माफ कर दें। क्षमादान महादान माना गया है, क्षमाशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि हम अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे लॉयर हो जाते हैं, हम अपने को गलत, कोई भी अगर हमें गलत ठहराता तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और दूसरे के बारे में हम एकदम जज बन जाते हैं कि इसने गलत किया है, तो ऐसी बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्षमादान हम रखें और अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दें। फॉरगेट एंड फॉरगिव आपने सुना होगा, तो ये गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। और दया, हम सब पे दया करें, प्राणी मात्र पर दया करें, क्योंकि गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। हम जीवन में कई गलती करते हैं तो हम हमारे सारे जो बुरे काम हैं उनको माफ़ कर देते हैं, तो हमारे मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि जो और व्यक्ति हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं, उन पर भी हम दया करें। इस बार हमने व्यवस्था को थोड़ा चेंज किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्यवस्था अच्छी लगी होगी। आप लोग हाथ खड़ा करें, जैसे कि मैंने कल बताया था कि संगतें बहुत बढ़ चुकी हैं और लाइन बहुत लंबी हो जाती है और उसमें हमारी माताओं को, युवाओं को, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। हम इसी तरह यहाँ पे बैठ के आप लोगों के दर्शन करेंगे, आप लोग दर्शन करेंगे और चढ़ावे के लिए हमारे जो सेवादार हैं वो आपके बीच में आते रहेंगे। एक और बात, जो हमारे पूर्वी संगत है उनके आज विदाई होगी, पहले 10 बजे यहीं पर उनको प्रसाद ताजी जो हमारे मसंद हैं पगड़ी उनको बांटी जाएगी और साथ साथ में जो पूर्वी संगत है उनका चढ़ावा जो भी दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो बैंड दरबार साहिब में कराना चाहते हैं तो 10 बजे यहाँ पे आ जाए। और पंजाब की संगत भी जब भी आप लोग चढ़ावा देना चाहते हैं, अभी हमारे सेवक बंगा जी ने आपको बताया होगा, इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है, आपको बार बार जो है आना नहीं पड़ता है। जब भी आपको समय मिलता है, जब भी अवसर है, तो आप अपने बैंड को जो हमारे सेवादार हैं उनके पास
जो अभी आएंगे मास्टर जी होंगे तो वो कर सकते हैं। कल सुबह 7:45 बजे डंडा महोत्सव का मुख्य आकर्षण, पहले झंडे जी उतारे जाएंगे और उसके बाद जो ध्वज दंड है उस पर गंगा जल से घी दूध दही से उसका स्नान कराया जाएगा और आप लोग उसकी सेवा करेंगे और 1 बजे से उस पर सनीम के गिलाफों का आवरण चढ़ाया जाएगा और शाम को 3 से 5 के बीच में नए झंडे जी का आवरण कर दिया जाएगा। मैं आप लोग यहाँ पे बड़ी भक्ति भावना से आए हैं और जो भी मन में आप भावना लेकर आए हैं, जिनके मन में जो भी भावना हो यहाँ पे गुरु महाराज उसको पूरा करेंगे। जिनके मन में कोई भी कष्ट हो, परिवार में कोई भी दिक्कत हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, उसके लिए मैं अभी दरबार साहिब में जाकर आप सबके लिए अरदास कर दूंगा। गुरु महाराज आपके जीवन को सफल करें। ठंडे के पास ना करे, सारे सत्संग इतने बैठे रहे, सारे सत्संग में दोबारा बेनती है कि इतने बैठन की कृपालता करे। गुरु महाराज जी परिक्रमा तो बाद जब उपर चल जाएंगे फिर संगत हिलेगी, इतने पंडाल से बैठन की कृपा। गुरु राम राय महाराज की संगत जितनी भी खड़ी है उनके सारे ने पता कि पिछले कुछ समय तो महाराज के पैर पर चल रोन करके थोड़ी जी दिक्कत महाराज जी आप महाराज ने कहता कष्ट नहीं पहुंचा जब महाराज महात्मा सुख सुविधा अपने वालों का प्रदान कर ली हर संजो जरा है उत्तम पुराना करना। तो इसी तरह शांति का सूर्य जो कृपा करके बैठे जाना था गंड जी
पूर्व की संगत की बधाई की श्री महाराज जी उनको देंगे। तो कृपा है पूर्व की संगत के सिवा बाकी लोग जो पंजाब के हैं वो खुद ही बता दें कि मैं पंजाब का हूँ, मुझे प्रसाद और रूपा भी ना दिया जाए। धन्यवाद। और महाराज जी के दर्शन भी करते रहे, उनका आशीर्वाद भी लेते रहे और प्रसाद के वितरण जो हो रहा है वो भी उनके लिए बड़े ही प्यार और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। अभी जो पूर्व की संगत के जो मसंत बाबा जी हैं उन्हें